आज हम आपको ले चलेंगे एक बार फिर उस रहस्य की ओर जिसने न सिर्फ बॉलीवुड को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सिनेमा का एक उभरता हुआ सितारा जिसने अपनी मेहनत और लगन से करोड़ों दिलों में जगह बनाई थी, वो सितारा अचानक बुझ गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की। एक ऐसा नाम जिसकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए जिन्हें आज तक जवाब नहीं मिला। आखिर सीबीआई की जांच क्यों अब तक किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची? उनके परिवार, फैंस और पूरे देश को अब तक न्याय का इंतजार क्यों है? 14 जून 2020 वो काला दिन जब खबर आई कि सिनेमा का ये चमकता हुआ सितारा अब हमारे बीच नहीं रहा। मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित उनके घर से आई ये खबर किसी तूफान से कम नहीं थी। जैसे ही ये खबर फैली, हर किसी का दिल दहल गया। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा चेहरा जिसने एमएस धोनी में अपने शानदार अभिनय से सबका दिल जीत लिया था, कायपोचे से अपने करियर की उड़ान भरी थी, एक एक्टर जिसने अपने दम पर इंडस्ट्री में जगह बनाई, जिसने छोटे शहर से मुंबई का सफर तय कर लोगों को ये बताया कि सपने अगर देखे जाएं तो उन्हें पूरा भी किया जा सकता है। लेकिन उस दिन उन सपनों का क्या हुआ? क्या सुशांत जैसे जीवंत और मेहनती लड़के ने सच में आत्महत्या कर ली, या फिर वो किसी साजिश का शिकार बना? सुशांत के पिता केके सिंह का बयान साफ था, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। उनका कहना था कि सुशांत का मानसिक स्वास्थ्य एकदम अच्छा था, वो जिंदगी में आगे बढ़ने की योजनाएं बना रहा था, उसके पास जीने के बहुत से कारण थे। उनके बयान से एक और सवाल उठता है कि अगर सुशांत का परिवार ये मानता है कि आत्महत्या नहीं थी, तो जांच अब तक सही दिशा में क्यों नहीं बढ़ पाई? मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच ने इस मामले को एक सुसाइड करार दे दिया। हालांकि जल्दी मामले में कई गड़बड़ियां सामने आने लगी। रिपोर्ट्स की माने तो सीन ऑफ क्राइम से कई सबूत गायब पाए गए। पुलिस की जांच पर सवाल उठने लगे कि क्या उन्होंने सभी संभावनाओं की सही से जांच की भी थी। इसके बाद परिवार और फैंस के दबाव में मामला सीबीआई के पास पहुंचा। हर किसी को लगा कि अब सच सामने आएगा, अब सुशांत को इंसाफ मिलेगा। लेकिन सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो की एंट्री के बाद भी मामला उलझता गया। आखिर सीबीआई क्यों अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी? क्या ये जांच किसी दबाव का शिकार हो रही है, या फिर ये सिर्फ एक लीपापोती है? सीबीआई की टीम ने इस मामले की गहन जांच की। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया, जो इस मामले में शक के घेरे में थी, उससे पूछताछ हुई। एनसीबी की जांच में भी ड्रग्स का एंगल सामने आया, जिसने इस केस को और पेचीदा बना दिया। लेकिन हर नए तथ्य के साथ नए सवाल खड़े होते चले गए। क्या ये मामला सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा था, या फिर इसमें ड्रग्स का भी खेल था? क्या बॉलीवुड के बड़े नाम इसमें शामिल थे, या फिर ये पूरा मामला एक गहरी साजिश का हिस्सा था? सुशांत के फैंस जो देश भर में हैं ने जस्टिस फॉर एसएसआर के साथ न्याय की मांग की। सोशल मीडिया पर लाखों लोग जुटे जिन्होंने अपने चहेते स्टार के लिए आवाज उठाई। उनका सवाल साफ था, हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हैं। क्या सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया, या फिर ये सचमुच एक आत्महत्या थी? हर बार जब सुशांत के फैंस उनकी फिल्मों की क्लिप्स देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये सितारा चमकने के लिए बना था, लेकिन वो सितारा अचानक कैसे बुझ गया? क्या ये अंधेरा किसी और ने फैलाया, या फिर सुशांत खुद इस अंधेरे में खो गए? उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने कई बार सोशल मीडिया पर अपने भाई के लिए न्याय की मांग की। उनके पोस्ट से साफ झलकता था कि उनका परिवार आज भी इस दुख और गुस्से में जी रहा है। एक भाई जो हमेशा उनके लिए सपनों की ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखता था, अचानक उन्हें छोड़कर कैसे चला गया? इस केस में एक और नाम जुड़ा, दिशा सालियान, सुशांत की पूर्व मैनेजर, जो उनकी मौत से कुछ ही दिन पहले संदिग्ध हालातों में मारी गई थी। क्या दिशा की मौत और सुशांत की मौत के बीच कोई कड़ी है? इस एंगल को भी सीबीआई ने गहराई से जांचा, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। तो आखिर सच्चाई क्या है? सीबीआई की जांच अब तक क्यों अटकी हुई है? क्या इसमें बॉलीवुड के बड़े नामों की मिलीभगत है जो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये मामला सिर्फ एक हादसा है जिसे हम समझने में नाकाम रहे हैं? हर साल सुशांत के जन्मदिन और पुण्यतिथि पर फैंस उनकी याद में मोमबत्तियां जलाते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं, दिल में एक टीस होती है और एक सवाल, सच कब सामने आएगा? हर बार की तरह ये केस भी क्या अनसुलझा रह जाएगा? क्या न्याय सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा? हमारी यही उम्मीद है कि सीबीआई जल्द से जल्द सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझाएगी, क्योंकि एक सितारे का जाना सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं, ये पूरे देश का दर्द है। और अगर सुशांत को न्याय नहीं मिला तो ये न्याय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल होगा। बॉलीवुड के चमकते सितारे सुशांत सिंह राजपूत ने महज 34 साल की उम्र में हम सभी को अलविदा कह दिया था।
एक ऐसा सितारा जिसने अपने छोटे से करियर में न केवल फिल्मों से बल्कि अपने दिलकश अंदाज और मासूमियत भरे चेहरे से भी लोगों के दिलों में अपनी एक अलग खास जगह बना ली थी। सुशांत ने कई बेहतरीन फिल्में दी जिनमें उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। उनकी मुस्कान, उनके अभिनय का जादू और उनकी फिल्मों के गाने आज भी लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बने हुए हैं। 2020 का वो साल जब सुशांत हमें छोड़कर चले गए थे, वो पल हर फैन के लिए एक ऐसी गहरी चोट थी जिसे भुलाना नामुमकिन है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग जाते हुए भी हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत भी उन्हीं में से एक हैं। उनकी फिल्मों के गाने आज भी हमें उनकी याद दिलाते हैं, उनके शानदार सफर की झलक दिखाते हैं। ऐसा ही एक गाना है जो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है और हाल ही में इस गाने ने YouTube पर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया है। ये गाना है फिल्म छिछोरे का बेहद खूबसूरत गीत खैरियत पूछो। इस गाने ने YouTube पर 1 बिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है। एक ऐसा गाना जिसे सुनते ही जैसे दिल में कुछ चुभता है, लेकिन उसी चुभन में एक सुकून भी महसूस होता है। ये गाना उन अनकही भावनाओं का प्रतीक है जो सुशांत की अदायगी से और भी गहरी हो जाती हैं। छिछोरे फिल्म जो 2019 में रिलीज हुई थी ने सुशांत सिंह राजपूत की एक्टिंग का एक अलग ही आयाम दिखाया। इस फिल्म में उनकी सह अभिनेत्री थी श्रद्धा कपूर, जिनके साथ उनकी केमिस्ट्री ने गाने में एक अलग ही जादू बिखेर दिया। खैरियत पूछो गाने में सुशांत और श्रद्धा की जोड़ी ने एक ऐसा माहौल बनाया जिसे देखकर कोई भी इमोशनल हो जाए। इस फिल्म और खासकर इस गाने ने हमें एक बार फिर सुशांत की अदाकारी का दीवाना बना दिया। उनकी हर छोटी बड़ी अदा में छिपी थी एक मासूमियत, एक ऐसी सच्चाई जो उन्हें बाकियों से अलग बनाती थी। सुशांत की परफॉर्मेंस ने यह साबित किया कि वे न केवल एक बेहतरीन अभिनेता थे बल्कि एक ऐसे इंसान भी जो हर किरदार को अपने दिल से जीते थे। खैरियत पूछो आज भी सुशांत के फैंस के लिए एक इमोशनल सफर है। जब भी ये गाना सुनते हैं ऐसा लगता है कि सुशांत आज भी हमारे बीच हैं, अपनी मुस्कान के साथ, अपनी अदाकारी के साथ। 1 बिलियन व्यूज पार करना इस बात का सबूत है कि सुशांत का जादू आज भी कायम है और उनके फैंस उन्हें हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखेंगे। दोस्तों, 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मुंबई में मौत हो गई थी, जिसे पूरी दुनिया ने पूरी तरह से मर्डर कहा और उसके बाद से ही जांच जारी है। पहले मुंबई पुलिस ने जांच की और फिर फैंस का दबाव बढ़ा तो सीबीआई को जांच सौंपी गई और सीबीआई की जांच को भी करीब 1.5 साल होने को है। अब पहले भी कई तरह की थ्योरीज चलती रहीं, कई बातें होती रहीं, कई दावे होते रहे, लेकिन सीबीआई ने कभी कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। मगर अब 1.5 साल बाद, जी हाँ 1.5 साल बाद, सुशांत की मौत की बाथरूम थ्योरी ने हंगामा मचा दिया है, बवाल मचा दिया है। हालात ये हैं कि मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने केंद्रीय मंत्री को बुलावा भेज दिया है।